और चलिए अब वक्त है डायलॉग विद जेसी का। जी रिजल्ट चैलेंज के सीईओ जगदीश चंद्र बात कर रहे हैं गृह सचिव राजीव महर्षि के साथ। आपको सीधे वहां लेकर चलते हैं। वेलकम टू माय शो। थैंक यू जगदीश। थैंक यू। आज से 40 साल पहले 1978 में जब आईएएस ज्वाइन किया था तो क्या सोचा था कि इस मुकाम पे पहुंचेंगे, यूनियन होम सेक्रेटरी बनेंगे? नहीं, वो तो कौन सोच सकता है और कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। तो कैसा ख्याल आता था उसमें, कहां तक पहुंचेंगे? कभी इस पर विचार नहीं किया कहां तक पहुंचेंगे। अपना काम ईमानदारी से और मेहनत से करने का इरादा लेके चले और वही करने का प्रयास जिंदगी भर किया। तो ज़्यादातर टाइम राजस्थान में रहे, दिल्ली में भी रहे? आधा आधा, दिल्ली में बहुत रहा हूँ। तो राजस्थान में क्या एक्सपीरियंस रहा डिस्ट्रिक्स में इधर उधर? राजस्थान जिला तो मैंने एक ही किया, बीकानेर। वैसे एग्रीकल्चर किया कई साल तक, फाइनेंस किया कई साल तक, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रहा, मुख्य सचिव रहा, तो ये तीन चार, ट्रांसपोर्ट भी किया 3-4 साल। तो ट्रांसपोर्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सुना आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन किए थे वहाँ। ट्रांसपोर्ट इंटरेस्टिंग था क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हमने पूरा सिस्टम रिवाइज किया। आज जो टैक्सेशन सिस्टम चलता है परसेंटेज पे, वह राजस्थान में 94 में इजाद हुआ, और अब जो कानून दुनिया इंडिया भर में है वो हमारे कानून का एक तरह से कॉपी है कॉन्सेप्ट का। और कई अन्य भी एक्सपेरिमेंट किए, चेक पोस्ट हटाए। राजस्थान एक अमंग्स द फर्स्ट स्टेट्स था जिसने कि इंटरस्टेट बैरियर्स हटाए और फ्री मूवमेंट दिया। तो इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि कि लोगों को इज ऑफ बिजनेस हो। और काम करने में अच्छा इसलिए रहा कि सपोर्ट सबसे मिला, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी मिला, और जो ट्रक ऑपरेटर्स थे, वेद भूषण जी उसके प्रेसिडेंट थे, बड़े फायर ब्रांड थे, उनसे बहुत सपोर्ट मिला, और बस ऑपरेटर्स के एसोसिएशन से सपोर्ट मिला। तो सबको साथ लेके काम किया और सबको लाभ रहा होगा, और जो हमारी स्टेट की रेवेन्यूज थी वो जो बढ़ी वो चौगनी हुई सीधी। तो ये एक अच्छा एक विचित्र सा रिजल्ट रहा कि जहाँ पर हमने रेवेन्यूज बढ़ाई वहाँ पर ट्रक और ऑपरेटर्स भी खुश रहे, बस वाले भी खुश रहे। और कंप्यूटराइजेशन सुना आपने किया काफ़ी? कंप्यूटराइजेशन का हमने तैयारी बहुत कर ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा थर्ड ईयर में ट्रांसफ़र हो गया तो वो कंप्यूटराइजेशन का सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जो हमने तैयारी की थी वो तैयारी बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थी, और जो हमने 95-96 में सोचा था उसमें तो हम फिर हर लाइसेंसी को ही लाइसेंस नहीं देते बल्कि हर ट्रक को हर बस को हम लाइव ट्रैक कर सकते थे। 96 के लिए वो काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो ये एक दिक्कत अभी जो इतने हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट है इंडिया में कि मतलब ब्रिटेन के बराबर हमारी गाड़ियां हैं लेकिन हमारा एक्सीडेंट रेट उनसे 1000 times हायर है। तो उस ज़माने के अंदर भी 56-57,000 लोग की डेथ होती थी रोड एक्सीडेंट्स में, अब वो फिगर कई गुना उससे बढ़ गया है। तो उसके लिए भी जो असली प्रॉब्लम है उसको किसी ने पहचानने का प्रयास नहीं किया था कि एक तो लाइसेंसिंग आसान नहीं होनी चाहिए, लाइसेंसिंग उतनी ही डिफ़िकल्ट होनी चाहिए जितनी कि विदेश में है। लेकिन वो डिफ़िकल्ट करने के लिए, वो नियम सिखाने के लिए कि राइट ऑफ वे क्या है आदि, वो सिखाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, जो ट्रैफिक आपके राइट में है उसको प्रेसिडेंस क्यों मिलता है, ये सिखाने के लिए कोई मोटर ड्राइविंग स्कूल नहीं थे। मोटर ड्राइविंग स्कूल सब एक बस्ते से चलते थे। तो हमने ये भी प्रयास किया कि जो मोटर ड्राइविंग स्कूल बने हर ज़िले में, और सभी ज़िलों में हमने ज़मीन ले ली थी। जयपुर का मोटर ड्राइविंग स्कूल बन भी गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी 96 में मैंने छोड़ा था, 32 जमीन लेकर के। मुझे लगता है अभी भी शायद 20-25-22 साल बाद वो 5-6 ही बन पाए। तो एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्ट कैसे लिया आपने, कैसे? बहुत यंग एज में मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर बना था,
तब ये ध्यान में आया, समझ में आया कि इसमें बहुत काम हो सकता है और इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। तो एग्रीकल्चर की जो असली प्रॉब्लम है वो भी मैं समझता हूँ कि अपन ठीक तरह से सिस्टम नहीं समझ पाया कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम इनपुट्स की तो ही है कि क्वालिटी सीड नहीं मिलता है, क्वालिटी फर्टिलाइज़र की भी दिक्कत रहा करती थी, अब कुछ कम हुई है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केटिंग नहीं होता है। जो मार्केटिंग है, आगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बने, मार्केटिंग की बातें अपन 40 साल से कर रहे हैं, लेकिन किसी भी फार्मर से पूछें तो उसको अपनी उपज का सही दाम सही समय पर नहीं मिल पाता है। तो वो एक वीक एरिया रहा, उस पर काम करने का प्रयास किया कि इस प्रकार से हो, ताकि हम बात करते हैं बार बार कि सब लोग वीटी क्यों ग्रो करते हैं, सब लोग चावली क्यों ग्रो करते हैं। तो उसका एक कारण तो ऑफ कोर्स ये है कि आपका एमएसपी सिस्टम जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो इन्हीं क्रॉप्स के लिए है। पर दूसरा कारण ये भी है कि अगर कोई कैश क्रॉप्स में जाता है जैसे टमाटर या हरी मिर्च या सब्जी, तो अगर वो एक्सेस हो जाती है तो टमाटर फिर 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे किलो भी बिकना मुश्किल हो जाता है। तो वो मार्केटिंग ज़रूरत है। तो हम बार बार कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जब होगा, जबकि हम फार्मर को एश्योर कर पाएंगे कि जिस तरह से आपका हम गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, उस तरह से अगर आपको टमाटर भी ज़्यादा पैदा हुआ और किसी सपोर्ट प्राइस से नीचे आया, तो हम टमाटर खरीदने की क्षमता रखते हैं, हमको खरीदना चाहिए, भले उसको उसकी फूड प्रोसेसिंग हो, भले ही वो एक दो साल इतना एक्सेस हो जाए कि हमको फेंकना ही पड़े, लेकिन फार्मर को हम विदाउट सपोर्ट नहीं छोड़ सकते हैं। तो इंडिया में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया है कुछ जिस हद तक होना चाहिए, उनके ये कारण थे। अब वो भी अभी भी वो मेरे ख्याल से एक एरिया ऑफ कंसर्न और कमजोरी है इंडिया में आज भी। तो फाइनेंस में दिलचस्पी इतनी कैसे बनी? राजस्थान में फाइनेंस सेक्रेटरी है, दिल्ली में फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए। तो राजस्थान से हूँ तो मतलब पैसा तो समझता हूँ, फाइनेंस तो समझता हूँ, वो तो हम लोगों के ब्लड में है। लेकिन फाइनेंस में मैं एज डिप्टी सेक्रेटरी 3-4 साल रहा, फिर तो उससे इंटरेस्ट आया, फिर कंपनी अफेयर्स में रहा, कंपनी अफेयर्स भी उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट था दिल्ली में, तो वो भी रहा इस प्रकार से। और एक्चुअली देखें आप, तो अगर आपको इस देश का फ्यूचर बदलना हो, पलटना हो, तो जो फाइनेंशियल डिसीशंस हैं उसी के माध्यम से, उसी पॉलिसी इश्यू से आप इसको बदल सकते हैं। तो फाइनेंस के जो आपका कार्यकाल रहा दिल्ली में, वहाँ तो दिल्ली में ऐसा क्या खास कंट्रीब्यूशन आपका रहा एज फाइनेंस सेक्रेटरी? मेरा समय बहुत छोटा था फाइनेंस में, 10 महीने का था, तो वो उसमें कुछ हमने करने के प्रयास किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय है, जो बाद में कानून बना, वो उस वक्त ही तय हुआ था। जो आपका सेबी में सबमिशन हुआ, अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमोडिटी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका, वो भी निर्णय तभी का था। तो इस प्रकार 2-3 निर्णय हुए। एक निर्णय पब्लिक डेट मैनेजमेंट पे था, वो निर्णय कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो पाया, कुछ हद तक नहीं हो पाया। तो इट वॉज अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस, बट माई टाइम वॉज वेरी शॉर्ट, आई वॉज ओनली देयर फॉर 10 मंथ्स। उसके बाद रास्ता में मैडम आपको चीफ सेक्रेटरी लेके आई? नहीं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? चीफ सेक्रेटरी तो मैं पहले था फाइनेंस से, फाइनेंस के बाद, हाँ, राजस्थान फाइनेंस के बाद जो है। तो चीफ सेक्रेटरी वाला भी मतलब क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी एनरिचिंग रहा, क्योंकि उसमें पहली बार सब चीज़ देखने का मौका मिला। पर वो जो पीरियड फाइनेंशियल गुड हेल्थ का 2004 से 9 था, वो 2013 से 18 नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली स्टेट का, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी काम करने की, डिलीवर करने की कुछ कम रही। पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेट हो गया, तो इस प्रकार उससे कोई डिफ़िकल्टी आई, लेकिन फिर भी एक दिशा देने का, एक डायरेक्शन देने का, आई थिंक 2-3 जो अच्छे काम वहाँ हुए हैं जो उस वक्त प्रारंभ किए गए थे, उसमें तो एक जल स्वावलंबन अभियान है, जिसमें कि जो राजस्थान की तुच्छ नदियां हैं उनको परेनल बनाने का प्रयास है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ भामाशाह की,
जो कि एक बहुत ही अपने लिए अपने समय के लिए बहुत ही एडवांस कार्यक्रम था। पहले 2008 में शुरू किया था, फिर वो डिसकंटिन्यू किया हो गया था अनफॉर्चुनेटली। फिर 2013 में दोबारा प्रारंभ किया, तो उसकी एक सबसे जो श्रेष्ठ बात है वो ये है कि उसमें आपका जनधन अकाउंट तो है ही है, आपका आधार नंबर तो है ही है, बट दोनों का समरेशन है। किसी भी व्यक्ति को सीडिंग कराने की आवश्यकता नहीं है, अपना आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड को या आधार नंबर को बैंक अकाउंट से सीड कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सीडिंग हम करके देते हैं। तो राजस्थान एक ही ऐसा अनूठा प्रदेश है जहाँ पर जब कार्ड मिलता है व्यक्ति को तो उसका उसमें आधार नंबर भी होता है और उसमें बैंक अकाउंट भी सीडिड होता है, तो वो डे वन से बैंक अकाउंट से लिंक करके यूज़ कर सकता है। और जो मेरे पास, छोड़े हुए राजस्थान को 3 साल हो गए, लेकिन जो मेरे पास फीडबैक है लगता है कि उससे काम ठीक हो रहा है। और राजस्थान सरकार ने अभी एक भामाशाह एक्ट भी पास किया है, नियम भी बनाए हैं, और उसमें 160 सर्विसेज उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी को हो सके। तो ये जो बीच वाला काम है कि आप गेहूं खरीदेंगे, गेहूं बेचेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसमें इनएफिशिएंसीज भी थी, करप्शन भी था, तो वो दोनों घटने चाहिए विद दिस प्रोग्राम। तो इट वॉज नाइस, एक मैडम ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था गवर्नमेंट टू दी विलेजेस, वो भी एक अनूठा सा एक क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट था। एंड उससे भी दोबारा पुनः गांवों में पहुंचे तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि कितना गांवों में बदला है, कितना सेम है, सिमिलर है, तो अच्छा रहा। फिर वहाँ भी मेरा समय शॉर्ट रहा, 10 महीने रहा मैं, लेकिन वो 10 महीने काफ़ी सेटिस्फाइंग थे। इतने लंबे कार्यकाल में आपने राजस्थान में कई चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया, भैरव सिंह जी के साथ, अशोक जी के साथ, मैडम के साथ, हाउ यू रेट वसुंधरा राजे एज ए डिफरेंट और व्हाट? अब चीफ मिनिस्टर्स मस्ट जज मी, आई कांट जज देम, दैट इज अनफेयर। एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं तो मैडम बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत तगड़ा विजन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस बात को समझती हैं कि बाहर से भी केवल सरकार का ही इनपुट, सरकारी अधिकारियों का इनपुट पर्याप्त नहीं है, बाहर की एक्सपर्टीज, बाहर का इनपुट भी ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, क्या कहते हैं, जैसे कि वो अपने लेबर के लिए मनीष अग्रवाल है, वो मैं आपको बताना चाहिए था कि एक मैडम की बड़ी उपलब्धि वो भी रही कि राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू रिफॉर्म्स ऑन लेबर लॉ। तो एक्चुअली लेबर लॉ की रिफॉर्म का इम्पोर्टेंस ये है कि जो लेबर लॉ बना है अलेजेडली लेबर की सेफ्टी के लिए, उससे एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो उससे ये एक डिसइंसेंटिव हो गया है एम्प्लॉयर के लिए किसी को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देने का। तो स्किल डेवलपमेंट भी मैडम का एक अनूठा इनिशिएटिव था 2005 का, तो उसमें भी हमको बहुत आउटसाइड से, बाहर से हेल्प मिली थी, मतलब मनीष अग्रवाल हैं टीम लीज के, उन्होंने हमको गाइड किया था कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या हो। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैडम का जो स्किल मिशन था वो 2005 में बना था, जबकि भारत सरकार ने उसको 2010 या 11 में अनाउंस किया, तो 5 साल पहले। तो मैंने जैसे कहा कि मैडम फॉरवर्ड लुकिंग है, विजन रखती हैं, तो उससे एक बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। और अब रिफाइनरी में काफ़ी कॉस्ट कंटेनमेंट हुआ है? तो रिफाइनरी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं एक ब्रॉडली एज अ फाइनेंस मैन से एक चीज़ समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो वो प्रोजेक्ट करना ना तो स्टेट के लिए अकलमंदी का काम है और ना ही कंट्री के लिए, क्योंकि नेशनल वेल्थ रिफाइनरी में लग रही है। जब मैंने देखा था उस प्रपोजल को, जब मैं मुख्य सचिव बना राजस्थान का, तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वायबल नहीं था किसी भी सूरत में। तो अनवायबल प्रोजेक्ट करने से जो स्टेट के रेवेन्यूज को हानि होगी वो तो होगी, लेकिन इट्स ऑल्सो अ नेशनल वेस्ट। लेकिन उस वक्त जो प्रोफाइल थी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की वो अलग थी। अब सुना है कि कुछ क्रूड प्रोडक्शन प्रोफाइल कुछ बढ़ गई है, तो हो सकता है वायबिलिटी बढ़ गई हो। और ये भी सुनने में आया है कि अब के बार नेगोशिएशंस अच्छे हुए और वायबिलिटी गैप बहुत कम हो गया, दैट इज़ ऑल्सो गुड।
तो बट बेसिकली मेरी राय यह है कि जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट है वो ही लगना चाहिए, सब्सिडी या पैसा कहीं से भी आए। दो साल पहले आप जिस दिन रिटायर हो रहे थे उस दिन एक चमत्कार हुआ, आपको एक्सटेंशन मिला, होम सेक्रेटरी बनाए गए, ये चमत्कार को आप कैसे, हाउ यू परसीव दिस? तो इसका तो कोई एनालिसिस करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मुझे तो 31 तारीख को 11 बजे बताया गया, 31 अगस्त को। आप नाथद्वारा में थे उस दिन? नाथद्वारा से आया था मैं उस दिन 31 को, उस दिन बताया गया। तो उस वक्त बहुत सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, और मुझे एडजस्ट होने में भी टाइम लगा, लेकिन अब सरकार की यही मर्जी है, तो सरकार के तो मतलब वो जो हुक्म हुआ उसकी तो पालना करनी थी। तो समबड़ी प्लेयर द गॉड फादर या तकदीर से, श्रीनाथ जी कृपा से? तो गॉड तो एक ही है, श्रीनाथ जी हैं। तो एज होम सेक्रेटरी कैसा महसूस करते हैं, मन लगता है दिल्ली में? दिल्ली तो खैर मेरे लिए घर स्वरूप है, क्योंकि मैं पढ़ा, कॉलेज की मेरी एजुकेशन भी यहीं है, ये चौथी बार मेरा दिल्ली में पोस्टिंग है, तो मेरी सारी जो एडल्ट फ्रेंडशिप्स हैं वो दिल्ली की हैं। तो दिल्ली तो मेरे लिए घर स्वरूप ही है। तो होम मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस भी बहुत, उससे भी लाभ हुआ, हर एक्सपीरियंस से लाभ होता है। बिजी जॉब है, काफ़ी अनसर्टेनिटी टाइम की और इवेंट्स की रहती है, वो भी एक चैलेंज है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। तो जयपुर की याद नहीं आती? अब जयपुर ही रहना रिटायरमेंट के बाद, अगस्त के बाद। जब हम होम की बात कहते हैं तो राजनाथ सिंह जी इतनी तारीफ करते हैं आपकी, ये उनका बड़प्पन है, मैं तो नहीं समझता कि मैं उस तारीफ ही हूँ, लेकिन उनका बड़प्पन है, बड़े दिल के आदमी हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट कर सकता हूँ। कुछ दिनों पहले उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ उनको सौंप दिया है, वेरी कॉम्पिटेंट। मैंने कहा ना उनका बड़प्पन है ये सारे माहौल में सुना, फिर एक एक्सटेंशन सरकार देने जा रही है होम में आपको? नहीं, ऐसा कोई नियम भी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है, और समय आने पर सबको निवृत्ति मिलनी चाहिए। यह भी चर्चा है कि शायद जम्मू कश्मीर में मिस्टर वोरा को चेंज कर रहे हैं, शायद आपको जिम्मेदारी नहीं, ये तो अटकल है, ये तो अटकलें हैं, राइट, इसमें कोई। लेकिन इस सारे माहौल में 18 घंटे के होम सेक्रेटरी के कामकाज में किताब लिखने का वक्त कैसे निकाला आपने? अभी किताब लिखी आपने, राजनाथ सिंह जी ने उसको लॉन्च किया। तो एक बार कश्मीर के बच्चे प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे, तो उनमें से एक लड़की ने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि साहब आप 18 घंटे रोज काम कैसे करते हैं, इतनी मेहनत कैसे करते हैं? तो उनका जवाब बड़ा अच्छा और ऐप था, उन्होंने कहा देखिए आप लोग स्कूल जाते हैं, दिन भर स्कूल में रहते हैं, फिर आपको वो स्कूल की टीचर जो है दुनिया भर का होमवर्क थोप देती है, तो जब आप घर जा रहे होते हैं तो आपके मन में थकान होती है कि भाई दिन भर तो स्कूल रहा और अब जाके घर जाके होमवर्क करना है। आप घर जाके होमवर्क करते हैं, जब होमवर्क समाप्त होता है तो एकदम आपकी थकान भाग जाती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि काम करने से थकान नहीं होती है, काम के बारे में सोचने से थकान होती है, तो उसी से प्रेरित होकर काम करते हैं ताकि थकान नहीं हो। तो किताब लिखने में कितना समय लगा? लगभग 2 वर्ष, पौने दो वर्ष। वास्तव में ये ऑफर मेरे पास आया था जब 2015 में मुझे रिटायर होना था, तब मैग्रो वाले आए थे कि आप रिटायर हो रहे हैं तो लिख सकते हैं।